नमस्कार दोस्तों, आज की प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो में मैं सीमित पोबट आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। तो आज हमने मार्केट में यू नो इन्वर्टेड वी से देखा, पहले एकदम बुलिश हो गया, ऊपर तक गया, यू नो निफ्टी 22,100 को टच करके फॉल। इस बीच हमने दो ट्रेड लिए थे और दोनों ट्रेड का रिजल्ट आपके सामने है। 2562 का प्रॉफिट हमें हुआ है। मैंने अगेन आई एम टेलिंग यू नो मैं हमेशा स्प्रेड कर रहा हूँ, तो स्प्रेड का ट्रेड किया था और वॉलेटिलिटी बढ़ रही थी। आप यहाँ पे ना स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि इंडिया विक्स 14.7 से बढ़ा है, और अगर इंडिया विक्स 14.7 से बढ़ा है तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी करंट वीक में तो बहुत ज्यादा बढ़ी होगी। उसका रीजन है क्योंकि इंडिया विक्स जो कैलकुलेट होता है ना, वो मंथली एक्सपायरी के बेस पे होता है, फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ। मतलब अभी जो इंडिया विक्स है वो फेब्रुआरी मंथली एक्सपायरी और मार्च मंथली एक्सपायरी को कंसिडर करके कैलकुलेट किया जाता है, जबकि अनसर्टेनिटीज और वो शॉर्टर पीरियड में ज्यादा होती है। तो एनीवेज रिजल्ट पॉजिटिव रहा, 2562 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे हुआ है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि हमने किस तरह से ट्रेड लिए थे। तो सबसे पहला ऑर्डर जो मैंने डाला था, आप टाइमिंग्स को देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। सो लेट मी शो यू द टाइमिंग। ओके ओके, सो हियर मी गो। सबसे पहला ट्रेड जो मैंने किया था, आप देख सकते हो 1243 को किया था, 1240 को। कैन यू इमेजिन गाइस, बजट का नेक्स्ट डे एंड आई ट्रेडेड इट 1240। दैट इज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन दैट आई वांट टू बिल्ड इनटू यू, राइट? दिस इज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन दैट यू शुड बी इन, यू शुड फॉलो योर प्रोसेस। गैप अप हुआ, मैंने मेरे कम्युनिटी ग्रुप में लिखा था कि मैं वेट कर रहा हूं जब तक एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेवल नहीं आएगा तब तक मैं एंटर नहीं करूंगा, और फिर कहीं पे यू नो रिट्रेस बैक फॉल बैक करे बिना ऊपर 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 22,100 तक चला गया 1240 को। यू नो ये एक्चुअली गलती से ट्रेड हो गया था। 1243 को मेरा पहला ऑर्डर लगा जब मैंने पुट बाय किया 850 का। अब पुट बाय करके मैंने बैरिश पोजिशन नहीं बनाई थी, मेरा जो ओरिजिनल व्यू था वो बुलिश था, क्योंकि मेरे ओरिजिनल पोजीशन जो मैं एक्चुअली क्रिएट करना चाहता था वो है 21,900 का पुट सेल। ओके, 21,900 का पुट सेल करना, दैट वाज माय ओरिजिनल पोजीशन। तो वो मैंने वहां पे यू नो एक बुलिश पोजीशन बनाई जो 1:11 को मैंने कट कर दी। तो चलो मैं आपको चार्ट में ले चलता हूँ। सबसे पहली 1243 को मैंने बुलिश पोजीशन बनाई। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर 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 कहीं पे मौका दिए बिना चला गया, लेट इट गो। मैं मेरा प्लानिंग ये था कि अगर थोड़ा इसके आसपास रिट्रेस करे तो मैं एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये वो कैंडल है 1240-1250 के आसपास। जब यू नो यहां से जब बाउंस बैक मिला तब यहाँ पे इस हैमर पे यहाँ पे 1243 को मैंने यहाँ पे बुलिश ट्रेड लिया था, अज्यूमिंग कि चलो अब थोड़ा रिट्रेस हो चुका है, इट विल गो फर्दर। बट वो नीचे 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 की तरफ चला गया। तो 1:11 के आसपास मैंने यू नो यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर दी। और एक चीज मैंने यहाँ पे देखी कि यहाँ पे रेंज बनी हुई थी, ये देखिए छोटी सी रेंज बनी 20 मिनट के अंदर, और ये वाली कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक किया। तो यहाँ पे ना मैंने फिर एक शॉर्ट पोजिशन बना ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन 114 आई क्रिएटेड द शॉर्ट पोजिशन, 21,950 का कॉल बाय किया, 900 का कॉल सेल कर दिया, और फिर इंट्राडे पर था तो मैंने स्क्वायर अप कर लिया, और इस तरह से हमें आज 2562 का प्रॉफिट हासिल हुआ है। समझने जैसी चीज मेरे दोस्तों आज की वीडियो से ये है कि कितना भी वॉलेटिलिटी हो, कितना भी गैप हो, बजट का नेक्स्ट डे हो, आप ऑप्शन सेलर हो, आपको पता है कि वॉलेटिलिटी गिर रही है। सी एज एन ऑप्शन सेलर फॉलिंग वॉलेटिलिटी इज समथिंग दैट आई लव, क्योंकि जैसे ही वॉलेटिलिटी गिरती है प्रीमियम गिरते हैं। एंड वो भले मैं तो क्रेडिट स्प्रेड करता हूँ, बट टिपिकली क्रेडिट स्प्रेड इज क्रिएटेड विद द व्यू ऑफ ऑप्शन सेलर। बट आई फॉलोड माई रूल्स, आई फॉलोड माई सिस्टम, आई फॉलोड माई डिसिप्लिन, और यू नो रिजल्ट ये मिला मुझे कि वी कुड डू एन अमेजिंग थिंग। और 2562 के प्रॉफिट के साथ हम आज का मार्केट एग्जिट कर पाए। आई होप आपको वीडियो से लर्निंग मिला होगा। जरूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।